बोटिंग करके जा रही हूँ ओंकारेश्वर मंदिर महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी चलकर इलाहाबाद कानपुर सेंट्रल के रास्ते इंदौर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर। हेलो गाइस, दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ एक्सट्रीम रोड्स पर। वैसे मैंने ट्रेन मिस कर दी थी, वो व्लॉग तो आपने देखा ही होगा, और शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए मैंने महाशिवरात्रि काशी में की और काशी विश्वनाथ टेम्पल से की। मैं बहुत मायूस थी उस दिन, लेकिन खैर जो हो गया सो हो गया। थैंक्स टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स फॉर मेकिंग मी फील सो गुड। तो दोस्तों, काशी महाकाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, और मैं आज ट्रैवल कर रही हूँ 82403 ट्रेन में, जिसका लोकोमोटिव इंजन WAP-7 है, और इसके जो कोचेज हैं वो है LHB कोचेज, और वाराणसी से चलेगी और इंदौर तक जाएगी। वेल दोस्तों, तो ये अपनी काशी महाकाल एक्सप्रेस जो है वो 6 हॉल्स लेने वाली है, और ये प्रयागराज से होकर के जाती है। आपने मेरे कुंभ का व्लॉग तो देखा ही होगा, उसका मतलब हम संगम को टच करते हुए जाएंगे। अपनी काशी महाकाल एक्सप्रेस जो है वो वाराणसी से 3:15 दोपहर में निकलती है, और कल सुबह पहुंचेगी 9:40 को। करीबन 19 घंटे का रास्ता ये तय करेगी, और 1105 किलोमीटर भागते हुए जाएगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर पगड़ी में और ऑरेंज कलर भगवे में आप देख रहे हैं होस्ट हैं। तो हमने जो पहली 2 तेजस एक्सप्रेस देखी IRCTC की प्राइवेट ट्रेन, उसमें जो है फीमेल हॉस्टेस थी, और इसमें मेल हॉस्टेस होस्ट है। नमस्ते। ओके दोस्तों, तो अपनी काशी महाकाल एक्सप्रेस जो है वो पूरी वातानुकूलित है, और बेसिकली ये हम सफ़र एक्सप्रेस ही है जिसे कन्वर्ट किया गया है, और कुछ सुविधाएं इसमें कुछ एक्स्ट्रा दी गई हैं, और वो सुविधाएं मैं अंदर जाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये बता दूं कि ये पूरी ट्रेन, पूरे 9 के 9 कोच जो हैं वो 3-tier AC हैं, 2 गार्ड वैन हैं, और 1 लोकोमोटिव इंजन है, और 1 पैंट्री कार है। तो अब ट्रेन चलने वाली है, 3:15 होने को है, 3:14 हुए हुए हैं, जो कि पीछे दिखाई दे रहा है, और मैं ये ट्रेन बोर्ड कर। वैसे दोस्तों, जब तक काशी में काशी विश्वनाथ जी के दर्शन ना कर ले, भोले बाबा के दर्शन ना करो, तब तक आपको वाराणसी छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसीलिए ही मेरी गाड़ी भी मिस हुई थी, और मैंने वो दर्शन कर लिए हैं, आपने दर्शन देख लिए, और उसके बाद हम जा रहे हैं उज्जैन की ओर। और ये ट्रेन का महत्व ही वही है, श्रद्धालुओं को वो 3 ज्योतिर्लिंगों से जोड़ता है। तो मैंने 1 ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ जी के तो दर्शन आपको करवा दिए, अब जा रहे हैं हम दूसरे ज्योतिर्लिंग के पास, और वो है महाकालेश्वर पर। और उज्जैन में महाकालेश्वर पे हम दर्शन करेंगे, उसके बाद इंदौर में हम ओंकारेश्वर के दर्शन करेंगे। चल पड़ी अपनी काशी महाकाल, काशी से महाकाल के लिए। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं, धन्यवाद। वैसे दोस्तों, मैंने पहली ट्रेन तो मिस कर दी थी, कमर्शियल रन जो लखनऊ से थी, लेकिन पहली ट्रेन प्रयागराज से जो है वो मैं बोर्ड कर रही हूँ, एंड आई एम इनवाइटेड बाय IRCTC टू बोर्ड दिस ट्रेन ऑन अ स्पेशल पैकेज टूर। जी हाँ, दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। और आपको भी ये ट्रेन का पैकेज टूर अगर लेना है, तो आपको IRCTC के वेबसाइट पर जा कर के आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप फ़ोन करके आपको जिस तरीके का पैकेज लेना है आप ले सकते हैं। चाहे आप इंदौर जा कर के उज्जैन आना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या उज्जैन उतर करके महाकालेश्वर के दर्शन करके फिर आप ओंकारेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप वाया ट्रेन जाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, वाया रोड जाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। मैं दोस्तों, तो इन दो
ट्रेन में अगर आपको टिकट बुक करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको IRCTC के वेबसाइट पर जाना होगा, IRCTC.co.in, जिससे हम टिकट नॉर्मली बुक करते हैं। उसके अलावा आप ऐप पे भी कर सकते हैं, जो कि IRCTC रेल कनेक्ट नाम है उसका। उसके अलावा आप ट्रैवल पार्टनर से भी कर सकते हैं ऑनलाइन। और आपको ये बता दूँ कि इसके रिजर्वेशंस आप कर सकते हैं 120 days प्रायर। इसमें इंश्योरेंस हर इंसान का 10 lakh rupees तक का है। इसमें कोई तत्काल कोटा नहीं है, इसमें जनरल कोटा है और वो फॉरेन टूरिस्ट के लिए अलग से कोटा है। तो अब इसका फेयर क्या है वो आपको बता दिया जाए। तो इसके फेयर हैं, आपको कुल जो है वाराणसी से लेकर के इंदौर तक की अगर आप राइड ले रहे हैं तो 2,110 rupees है बेस प्राइस। वैसे इसके डायनामिक प्राइजेज हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्लोज डेट्स पर बुक करेंगे तो प्राइजेज हाई हो सकते हैं। चार्ट प्रिपेयर होने के 4 घंटे पहले तक आप बुकिंग कर सकते हैं। पर पावन जगह पर जा रही है ये ट्रेन और इसकी शुरुआत हुई है एक बहुत ही खूबसूरत आरती से और जयकारा हुआ है भोले शंकर का। तो इसी के साथ इस ट्रेन के सफर की शुरुआत हम कर चुके हैं। क्या क्या है आपके नाश्ते में? दो कचौरी है, मफिन्स है और हल्दीराम का नमकीन है। ओके, टेस्ट किया? हाँ, बढ़िया है। हाउ इज इट? वेरी गुड। स्माइल प्लीज। यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। जैसे ही आप ट्रेन में चढ़ते हैं, आरती होने के बाद फिर नाश्ता सर्व हो जाता है, क्योंकि ये ट्रेन 3:15 बजे की है, तो आपको करीबन 4:30 बजे के आसपास नाश्ता सर्व होता है। मैं कमर्शियल रन लखनऊ वाला मिस की थी, लेकिन आज भी मैं फर्स्ट कमर्शियल रन में हूँ जो प्रयागराज से है। जी, इज़न्ट दैट अमेजिंग? उसका मतलब मैंने कुछ मिस नहीं किया। काशी महाकाल एक्सप्रेस 2 रूट से चलती है। फर्स्ट है 82401, जो कि कमर्शियल रन उसका था 20th को, जो मैंने मिस की थी, और वो रिटर्न आती है 82402 इंदौर टू वाराणसी। और हम जिस ट्रेन में हैं वो 82403 है वाराणसी से इंदौर, और इंदौर से वाराणसी 82404 ट्रेन है। वैसे दोनों ट्रेनें सेम टाइम पर पहुंचाती है 9:40 को, और जो लखनऊ से चलती है वो ट्रेन जो है ट्यूसडे और थर्सडेज को चलती है, और जो वाया प्रयागराज जिसमें हम हैं अभी वो संडे को चलती है। वाह, इतवार के दिन मैं चल रही हूँ। ये 6 हॉल्स लेती है वाराणसी से इंदौर के बीच में, और जो वाया प्रयागराज जाती है वो डायरेक्ट प्रयागराज पहला उसका हॉल्ट है, उसके बाद आता है कानपुर सेंट्रल, उसके बाद आता है झांसी जंक्शन, उसके बाद बीना, और उसके बाद आता है संत हिरदाराम नगर, और फिर उज्जैन, जहाँ पे महाकालेश्वर आपको मिलेंगे, और बस उसके बाद लास्ट स्टॉप है इंदौर, और इंदौर में हम ओंकारेश्वर से मिलेंगे। और दोस्तों, जो वाया लखनऊ जाती है वो हॉल्ट करती है 7 स्टेशन कुल, और पहला स्टेशन है सुल्तानपुर, उसके बाद लखनऊ है, जो इसमें पहले प्रयागराज आता है, बाकी के स्टेशन सेम है। साफ सुथरे ढंग से बनता हुआ खाना या नाश्ता? ये है, नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई भी ट्रेन जो इंडियन रेलवेज में, लोग गाली देते रहते हैं कि पैंट्री साफ नहीं होती है, लेकिन आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट हाइजीन पर ध्यान दिया गया है। और दूसरी बात, इसकी खासियत ये है कि ये पूरी तरीके से सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये है इंडक्शन कॉइल जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, और उसी पर खाना बनता है। उसके अलावा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स का यहाँ पर दिख रहा है आपको ऊपर पाइप, तो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी प्रॉपर सुविधा दी गई है अगर कुछ होता है तो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको फ्रिज भी है, वाटर प्यूरीफायर भी है, इसमें शॉपिंग भी हो सकती है, वहाँ पे मैं थोड़ी देर बाद ले जाऊँगी, बाकी मेरी आँखें जलने लग गई है, ये ऑनियन काट रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, बोलते हैं ना कि मुस्कुराने से जो है ना काम का बोझ कम हो जाता है। 130 km/h की स्पीड से चल रही है, और एवरेज जो है ये करीबन 90 km की स्पीड पकड़ कर जाती है, स्टेशन पर रुकते रुकाते उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, बनारसी साड़ी
थी और नहीं खरीद पाए तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पे शॉपिंग भी होता है। 28,000, 16,800, 20,500, 16,000। आप जब बाथरूम जाते हैं तो हम ही उसे गंदा करते हैं और हमें कंप्लेंट करने का कोई हक नहीं है। हमारे घर की तरह हमें यूज़ करना चाहिए और हम प्लास्टिक्स इसमें ना डालें, हम इसमें टिश्यूज़ ना डालें, हम इसमें पैड्स ना डालें, हम इसमें पैम्पर्स ना डालें। प्लीज़ प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। नहीं, ब्लाइंड के लिए यहाँ पर ब्रेल लैंग्वेज है हर जगह पर, यहाँ पर भी है, तो हर जगह पर ब्रेल लैंग्वेज है, तो उन्हें समझ में आता है कि उन्हें क्या करना है। और ये सारी इंजीनियरिंग है ट्रेन की, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर एसी, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। तो हमारे ये सारे कोचेस, 9 के 9 कोचेस में जो है 3-tier एसी है। और उसके अलावा बहुत ही बढ़िया बात इस को इन कोचेस में है वो ये है, हम नॉर्मली जब साइड की सीट लेते हैं 3-tier में तो दुखी हो जाते हैं, वो भी लोअर सीट हो तब, क्योंकि उसमें इस तरीके से ओपन होता है और बैठने की तो सुविधा होती है यो, लेकिन सोने की प्रॉपरली नहीं होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। दिखाओ, अब बता दूं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे जो है 2 सॉकेट्स दिए हुए हैं दोनों तरफ, दैट्स कूल, मतलब अगर 6 लोग हैं तो उनके लिए काफ़ी सॉकेट्स हैं। और ब्रेल लैंग्वेज में यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, जैसे हर ट्रेन में लाइट्स होती हैं वैसे इसमें भी है। कुशन, आपको बेड शीट्स और आपको कंबल भी मिलेंगे। बनारस कई चीज़ों के लिए माना जाता है, लेकिन जो मुख्यता है वो वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ के घराने की गलियों में आप जाइए, आहा, लाजवाब आपको एहसास होगा। हिंदूज़ बिलीव करते हैं कि अगर वो वहीं पर मरते हैं और वहीं पर क्रिमेटेड होते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। सेटिंग इन द मोशन ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा, जी सारनाथ, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। बनारस और भी चीज़ों के लिए माना जाता है, वाराणसी भी कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर है वो, फेमस है मसलीन के लिए, सिल्क फैब्रिक के लिए और आइवरी वर्क के लिए। स्कल्पचर्स भी वहाँ पर बहुत खूबसूरत बनते हैं। वाह, तो ट्रेन सुपर फास्ट स्पीड से चलते हुए पहुँच चुकी है अलाहाबाद जंक्शन, जो अब प्रयागराज है। और प्रयागराज में हम पहुंच गए हैं 5:30 बजे से पहले। वैसे इसका ऑफिशियल टाइम 5:30 बजे का है और 5 मिनट में इधर से निकलती है, लेकिन बिफोर टाइम है और अब ही हम एंजॉय करते हैं कुछ भजन कीर्तन। अपनी काशी महाकाल एक्सप्रेस जो है वो बिफोर टाइम आ चुकी है और अभी टाइम हो चुका है इसके निकलने का, 5:35 को निकलती है, 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। रिलीजियस टूरिज्म के लिहाज से इस ट्रेन को चलाया गया है और सच बताती हूँ इस ट्रेन में जाने का फ़ायदा ये है कि आप तीनों ज्योतिर्लिंगों को टच करेंगे
और ये एक अमेजिंग टूर होगा आपके लिए। यहाँ अलार्म आता है, कोई भी स्मोक कर रहा है या कोई भी फॉल्ट हुआ जो फर्स्ट ट्रेन में लगा हुआ तो ये जो है ये कैच करता है। तो यहाँ पे ये हूटर है, बाहर लगा हर कोच में लगा होगा तो अलार्म दे देगा, हम लोग को पता चल जाएगा फायर की उठा रखा हुआ ये। ओके, ये अपना वाटर किसी यूजर हो गया पानी का। अच्छा, तो हम जिनसे बात कर रहे थे उन्हें कहा जाता है पावर गार्ड ऑपरेटर, जो कि जनरेटर वैन में होते हैं और सारे कोचेस का कारोबार वही संभालते हैं। इस पर्टिकुलर जनरेटर वैन गार्ड में नई बात यह है कि टेक्निकली पहले जो पुरानी वाली ट्रेन्स थी उसमें डिजिटल स्क्रीन्स नहीं थी, इसमें डिजिटल स्क्रीन्स हैं ताकि ज़्यादा अच्छी सुविधा मिले। सो इट हैज़ अ मॉडर्न इक्विपमेंट विच इज़ बीन एक्सेप्टेड इन दिस ट्रेन। वाओ, ये मैं हूँ जनरेटर वैन में और जनरेटर वैन में ये दो जनरेटर जॉइंट जायंट है उनके साथ में खड़ी हूँ और उनकी बहुत ही विशेषता है अपनी, जैसे कि ये एयर फिल्टर करता है, बाहर की हवा को अंदर लाता है और एक नॉर्मल फिल्ट्रेशन देता है, और जो ये वाला फिल्टर है वो छोटे छोटे कणों को भी फिल्टर कर देता है। सो वन गेट्स अ वेरी क्लीन एयर इनसाइड और दूसरा एयर कूलेंट है वहाँ पर पीछे, और क्या क्या हो गया पैंट्री कार में बैठी हुई हूँ पर अच्छा ही ठाट है अभी तो हमारे, क्योंकि हम जहाँ जाए वहाँ घूम सकते हैं, पूरी ट्रेन मेरी है मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कंप्लीट इंडियन रेलवेज़ को जो मुझे इनवाइट करते हैं ट्रेन की ब्लॉगिंग के लिए। दूसरा, मैं इस ट्रेन के लिए IRCTC को थैंक कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है ये कंप्लीट पैकेज टूर के लिए। वेल गाइस, कुछ इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि बनारस में आप अगर जाते हैं घाट पर घूमते हैं तो एक चीज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, भोर में सुबह ए बनारस बिल्कुल अटेंड कीजिएगा और वो होता है अस्सी घाट पर। और यहाँ पे मैं जिन लोगों के साथ बैठी हूँ वो सारे जो हैं सुबह ए बनारस के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हैं, कोई अपना नाम नहीं देना चाहते हैं क्योंकि ये लोग बिलीव करते हैं कि किसी का नाम नहीं है सुबह ए बनारस में, बस सुबह ए बनारस है। मैं जब बनाऊँगी बनारस का व्लॉग तो बिल्कुल उसमें आप सुबह ए बनारस देखिएगा। वेल दोस्तों, खाना आ चुका है, वैसे बजे हैं 8 और सबको खाना सर्व हो रहा है, मैं खाने वाली हूँ 9 बजे के बाद, लेकिन गुलाब जामुन 2 है और ये जनाब, आपका नाम क्या हुआ? अनुराग जी जो हैं मुझे एक गुलाब जामुन सर्व कर रहे हैं, वैसे दोनों दे सकते हैं लेकिन उनके लिए भी तो एक रखना पड़ेगा। मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच। तो हम आ चुके हैं कानपुर सेंट्रल पे और ये ट्रेन बेसिकली आनी चाहिए 8:50 को, लेकिन ऑलमोस्ट 20 मिनट पहले पहुंच चुकी है। हर हर बम बम, हर हर बम बम, बोलो शंकर भगवान की जय। वेल दोस्तों, हम मिल रहे हैं हमारी काशी महाकाल एक्सप्रेस के लोकोमोटिव पायलट से संजय जी और इनसे हम कुछ बातें करेंगे। कितने सालों से चला रहे हैं? टोटल जब मेरा 34 ईयर। ये वैसे कितने स्पीड से चल रही है? ये अभी झांसी तक 110 जाएगा। अच्छा, और झांसी बिटवीन झांसी बीना 130। अच्छा। और वैसे इसकी कैपेसिटी 180 है ना? 160 तक अभी ट्रायल्स हुए हैं। ओके, ये SWAP-7 है। इसका ये है कि टोटली कंप्यूटराइज इंजन रहता है। ओके, इसकी एक विशेषता और है कि इसमें होटल लोड है जो टोटल ट्रेन में इलेक्ट्रीफाई और जो एसी और जैसे वर्क कर रहा है वो इंजन के द्वारा ही पावर उसको सप्लाई है। इससे पहले क्या रहता था, जैसे इसकी जगह कोई और पावर होगा कन्वेंशनल या तो उसमें जनरेटर चलाने पड़ते थे, जनरेटर कार रहता था। ओके, तो इसमें जनरेटर कार की जरूरत नहीं पड़ रही है। हाय, हाय,
सेंट्रल से अब चल दी है द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हब, जो लेदर का मार्केट है, लेकिन आज की तारीख में इवन क्लोथ, इवन वूल, इवन बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर उसकी इंडस्ट्रीज हैं। 10 मिनट्स का हॉल्ट है, मतलब 9 बजे चलती है यहाँ से। अभी 10:45 हैं और चलिए देखते हैं कि खाना क्या है। बेसिकली पूरे ट्रेन में आपको नाश्ते से लेकर के खाना जो है, डिनर हो या मील हो, जो भी मील है वो वेज सर्व होती है। देखिए क्या है, पनीर और मटर की सब्जी और सूखी सब्जी है, स्लाइट ग्रेवी टाइप है आलू मटर की। और कितनी रोटियां हैं, 1, 2, 3 and 4, 4 रोटियां हैं, दही है, मेरे ख्याल से मिस्टी दही है और दाल है। वेल, ये बता दूं कि खाने के अंदर आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आप स्वीट चाहते हैं तो स्वीट मिलेंगे, जैसे कि 2 गुलाब जामुन, और तभी मैंने 1 गुलाब जामुन खाया था, उन्होंने खिलाया था, और या तो फिर आप आइसक्रीम ले सकते हैं। मैं तो आइसक्रीम की शौकीन ज़्यादा हूँ, और दो मुझे गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने तो टेस्ट कर लिए। वेल दोस्तों, आप लोगों को तो पता है कि मैं ऑलवेज़ आइसक्रीम खाती हूँ, और 1 नहीं 2 खाती हूँ और मैंने गुलाब जामुन नहीं मंगाया, मुझे आइसक्रीम खाना था, एंड दैट्स वेनिला। वाह, स्टाफ ने मुझे स्पेशली दिया है सांची के पेड़े, शुद्ध दूध से निर्मित। सीढ़ियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं, अलग हैं बेसिकली। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, नॉर्मली क्या होता है कि जो भी महिलाएं अपने बच्चों के साथ आती हैं तो उनके लिए दिक्कत हो जाता है कि जब वो टॉयलेट जाती हैं तो क्या करें, और इन्फेंट होता है वहाँ पर, बच्चों के लिए भी सीट रखी हुई है। झांसी आने वाला है अप्रॉक्सीमेट 1:30 बजे, तो फिर कल सुबह मिलते हैं उज्जैन से पहले सनराइज के बाद। तब तक गुड नाइट एंड हैव अ स्वीट ड्रीम्स। वेल झांसी वालों, खुश हो जाओ, क्योंकि मैं तो सो चुकी थी, लेकिन मैंने देखा कि ट्रेन आ गई है, लाइट दिख गई, और ये ट्रेन अप्रॉक्सीमेट 56 मिनट जल्दी आ गई है। वैसे दोस्तों, झांसी जो है वो बुंदेलखंड रीजन में उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत ग्लासेस के बैंगल्स मिलेंगे। और झांसी की रानी के बारे में तो आप जानते ही हो, रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, राइट। तो क्या आप लोगों को पता है कि पहली शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो न्यू दिल्ली से झांसी चली थी। झांसी रेलवे स्टेशन जो है वो पहले पड़ता था सेंट्रल रेलवे जोन में, जो कि जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में था, और अब वो इलाहाबाद में पड़ता है नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे। जैसे ही हम बीना स्टेशन पर आएंगे तो बीना स्टेशन पड़ता है मध्य प्रदेश में, और हम मध्य प्रदेश में एंट्री कर चुके होंगे, लेकिन वो रात को आता है तो मैं शायद उठूंगी नहीं। यहाँ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत सुबह है, सूरज निकला नहीं है। दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द सेकंड डे ऑफ काशी महाकाल एक्सप्रेस 82403 वाया प्रयागराज। अमित जी हैं ये, और इन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझे टेक केयर किया, एंड ही वाज अ रियल गुड होस्ट। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं उज्जैन, और ये बिफोर टाइम है, वैसे इसका 8 बजे का स्केड्यूल टाइम है। आई वंस अगेन थैंक IRCTC मिस्टर माल एंड द होल क्रू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी सो वेल, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस ट्रेन से आई और उस रिलीजियस स्पिरिचुअल फील को मैंने लिया। ओके देन, अभी रुक जाइए, अभी व्लॉग क्लोज नहीं हुआ है, अभी तो बाकी है। ये मेरी है यात्रा उज्जैन में
ख़त्म होती है, लेकिन ये ट्रेन जाएगी आगे इंदौर तक। 9:40 को इसकी यात्रा ख़त्म होगी और मेरी यात्रा यहाँ से जा रही है। सरप्राइज है फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ अपने होटल में, एमपी टूरिज्म की उज्जैनी होटल में। आज हम स्टे करेंगे, आज के अभी थोड़ी देर के लिए। मेरा स्टे तो काफ़ी अच्छा है, I'm liking it, a nice bed. Hi friends. Okay, this is the cool thing. उपमा, मेंदू वड़ा, सांबर, नाश्ता करते हैं, भागते हैं। रेडी हो जाइए दोस्तों, अब जा रही हूँ मैं दूसरे ज्योतिर्लिंग की ओर, महाकालेश्वर की ओर। काशी विश्वनाथ जी एक है, महाकालेश्वर यहाँ उज्जैन में है और ओंकारेश्वर जो है वो इंदौर साइड में है। ज्योतिर्लिंग का महत्व ये है कि बेसिकली ब्रह्मा और विष्णु में आर्ग्यूमेंट हुआ था अपने क्रिएशन को लेकर के कि कौन सुप्रीम है। तो उस चक्कर में शिवा ने क्या किया, एक ज्योति, एक प्रकाश को उत्पन्न किया और उस प्रकाश के चक्कर लगाने को कहे, जो पहले पहुँच जाएगा वो महान क्रिएटर होगा। तो ब्रह्मा और विष्णु ने शुरुआत की, अब विष्णु तो पूरे चक्कर लगा लिए, ऊपर लगा लिया, नीचे लगा लिया, तब तक में ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने चक्कर लगा के आ गए, वो एंड तक उन्होंने ज्योति के एक एंड को छू लिया है। तभी दूसरा प्रकाश खड़ा हुआ और वो थे शिवा, और उन्होंने कहा कि अब तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि अब जहाँ पे भी पूजा अर्चना होगी वहाँ पे तुम नहीं रहोगे, सिर्फ विष्णु की पूजा होगी। और बस उसी के साथ ही वो ज्योतिर्लिंग सब जगह पर स्थित है। तो हमारे साथ है देविन उपाध्याय और ये भी IRCTC में ही काम करते हैं और इनकी वजह से मैं यहाँ का फील कर रही हूँ। ये इन्होंने मुझे लगाया है। और आपका नाम क्या है? रेखा। वेल दोस्तों, समथिंग इंटरेस्टिंग, यहाँ के सिग्नल पे रोबोट है इंदौर में, और ये रोबोट जो है वो साइन सिग्नल्स देता है। महाकालेश्वर से निकल गए और करीबन इंदौर आने के लिए 60 किलोमीटर लगते हैं और फिर इंदौर से हमें ओंकारेश्वर पहुंचने के लिए और 70 से 75 किलोमीटर लगते हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेट आपको 3.5 घंटे लेकर के चलना चाहिए अगर आप महाकालेश्वर से, उज्जैन से आप टूवर्ड्स ओंकारेश्वर जा रहे हैं। तो मैं बोटिंग करके जा रही हूँ ओंकारेश्वर मंदिर में। बहुत
₹100 का प्रसाद है। कैसे जाबो भोले की नगरिया वो में दाग लग गए। कैसे जा भोले की नगरिया हो दर्शन तो बहुत ही खूबसूरत हो गए और तीनों ज्योतिर्लिंगों के हमने बहुत दिल से आस्था पूर्वक दर्शन आपको करा दिए। ओके गाइस, सो दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल और यहां से ही मैं ये ब्लॉग क्लोज करती हूं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा दीजिए और बेल का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे खूबसूरत ब्लॉग्स आते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे बार बार लगातार। और बनारस के ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। फिर चली बनारस।